हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही खास दिन है बिकॉज आई हैव रिसीव्ड टू ऑसम थिंग्स टुडे। दैट वन इज आई थिंक ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होने वाला है और इसमें आई डोंट नो, लेकिन मैं सोच रहा था कि इंस्टीट्यूट ने मेरे को अपना सीए मार्कशीट ऑलरेडी दे चुका है, मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट है कि यार हमने सीए फाइनल क्रैक कर दिया है उसका भी आ चुका है, तो व्हाट इज लेफ्ट। लेकिन हर बार जैसे मैसेज आता है ना अपना इंडियन पोस्ट से कि यार दिस इज गोइंग इंदौर आ चुका है, ये महू आ चुका है, तो सरप्राइज और बढ़ता है यार इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है। तो आई विल बी ओपनिंग विद दिस यू ऑल और शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ आई एक्सपीरियंस बाय रिसीविंग दिस। सो लेट्स ओपन वन वन वन, लेट्स ओपन दिस फर्स्ट पेपर वाला। I have received something. Welcome to ICAI. I'll also show you now. Welcome to ICAI. इसमें क्या है? I have a certificate from our president. That is CA Nihar. This you can see. In this, it is written that we have our 3.34 lakh members and around 7 lakh students of ICAI. And this make this institute. This make our डिग्री सो प्रेस्टीजियस कि यार इतनी ऑसम डिग्री है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के बाद ये एक दो लेटर्स, द थर्ड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द 26 लेटर्स विच इंप्रेस्ड अस कि हाँ यार थर्ड और फर्स्ट लेटर के लिए मुझे जी जान से 5 साल मेहनत करनी है और तब जाके ये एक ऑसम सीए टैग अपने नाम के आगे लगाना है और फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से ऑसम ऑसम गिफ्ट टाइम टू टाइम आने वाले। सो दिस इज द सर्टिफिकेट एंड दिस आई हैव received something ICAI digital hub kind of thing और बहुत sharing platform है, क्या do's and don'ts है, pamphlet kind of thing मिले हैं दो, ज्यादा कुछ use के नहीं है जो आप already पढ़ लोगे। and this is something very special now, this is our membership card, this is our membership card, इसमें आपकी सारी identity, आपका membership number लिखा होता है, आपके signature होते हैं, सबसे खास चीज इसके पीछे signature होते हैं। जब ये आया ना कि यार ये सारी चीजें, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आपका पासपोर्ट बनवाना, ये सारी चीजें बनानी अलग और इसको बनाना अलग। इसको बनाने में टोटल 5-6 साल लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन जब ये बन के आता है ना, इट फील्स कुछ बना है, कुछ ताकतवर बना है। मैंने एक लिंक्डइन पर पोस्ट पढ़ी थी, वन ऑफ आर फ्रेंड, वन ऑफ आर मेंबर इन आर फ्रेटर्निटी, वो अपने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और अलग आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है ना, वो गलती से घर पर भूल गया था and he was traveling by plane to some place, और जब भी चेक हुआ, जब भी चेकिंग के लिए आया, he was only having this identity card of our institute, और उससे कहीं भी सवाल नहीं पूछे गए। I have that post, और अगर हो सका तो मैं उसको यहाँ पर वीडियो में भी पिन कर दूंगा, और उसको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। So see what our institute have in its own journey, कि अगर ये member है इस institute का, he is honest, he is trustworthy and he claims to be a good citizen of our country, ये identity card ये represent करता है कि उसने इसकी identity है, उसका membership number है, कि यार ये इतने prestigious institute से है। And this feels too good. I can't even explain my feelings after having this card. क्या ये भी एक identity card अब मेरे साथ रहेगा? आपने डिजीलॉकर, शायद आप कुछ स्टूडेंट्स यूज करते होंगे, उसमें डिजीलॉकर में हमारा इंस्टीट्यूट का भी कार्ड होता है। जब हम हमारी आइडेंटिटी करते हैं तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हम जब डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कार्ड आपके मेंबरशिप नंबर से आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो गुड नो, आई ऑल्सो पिन दैट एज वेल। और एक सर्टिफिकेट आप सभी के सामने मैं ओपन करना चाहता हूँ। दिस इज सम सर्टिफिकेट आई हैव रिसीव्ड, माय मेंबरशिप डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप इन दिस, एंड दिस इज टू गुड टू हैव। Now I'll be opening in front of you all. बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस डिग्री में, बट जब जिस दिन आ जाती है ना ये, it feels like कि बहुत कुछ आया यार, गिर गया। And this is what I have achieved in my life. Certificate of membership. See, you can't, you know, express in words. मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कि यार मैंने ये feel किया after receiving this, this happened, और ये सारी feelings है, और मैं ऐसा खुश हूं, वैसा खुश हूं। पर जब आप एक्चुअल में इतनी बड़ी डिग्री अचीव करते हैं ना, मेड बी एनीथिंग, आप आईएएस कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीए कर रहे हो, जब आप एक ऑसम एक पर्टिकुलर स्टेज पे, जो आपने 18-19 साल में सोच रखा होता है कि यार मुझे बड़ा होकर ये बनना है, एंड देन यू अचीव इट, दैट फीलिंग इज समथिंग ऑसम जो कि खुद एक्सपीरियंस करने से आती है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीवन, ये सारे गिफ्ट जो कि आपके हार्डवर्क से मिलते हैं, आपकी मेहनत से मिलते हैं, कहीं पर आपने फीस नहीं भरी इसके लिए, क्या इतनी अमाउंट है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने लर्निंग पर खर्च किया, आप अपने एडुकेशन पर खर्च किया, और आपके हार्डवर्क से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपके सेक्रीफाइस से, जब ऐसी चीज आपको लाइफ में मिलती है ना,
आपके प्राउड जब फील करते हैं खुद में कि हाँ आई डिड समथिंग, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते हैं, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाते हैं, यस बाय योर सेक्रीफाइसेस, आप सभी की ब्लेसिंग से मैंने ये सब हासिल किया, दैट स्माइल इज समथिंग। और जब इसको मैं फ्रेम करवाऊंगा, इसको रखूंगा अपने पास, उसकी खुशी अलग है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी वन कि यार लाइफ में इतनी मेहनत करो, सब कुछ भूल जाओ, आपका अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा होगा किसी किसी का, तो जस्ट गिव योर 100%, कुछ भी मत सोचो, ये अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें मुझे मेहनत करनी है, बिकॉज ये सारी चीजें मुझे टाइम से चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद सारा कुछ आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, आपका खुद का टाइम है, आपकी जो हॉबीज वगैरह, आप जो परस्यूएट करना चाहते हैं, आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, डू आफ्टर हैविंग अचीविंग दैट फीट फर्स्ट, बिकॉज वो जो खुशी देने वाला है ना, यू कांट इवन एक्सप्रेस ऐसे वर्ड्स वगैरह में, यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू नीड टू इमेजिन। बस सोचो यार कि जब सीए बनोगे, जब ये सारी चीजें आपके घर पे भी आएगी टाइम टू टाइम, आपको कैसा लगेगा, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा, वो रिसीव करेंगे, आपको लेते हुए देखेंगे, और अभी तो कॉन्वोकेशन भी हो रहा है हमारा मेंबर्स का, विल बी गोइंग देयर, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनने वाली है। सो अचीव दिस, वर्क हार्ड फॉर दिस, एंड प्रॉमिस मी, आप प्रॉमिस करो कि हाँ यार मैं भी एक दिन ये अचीव करने वाला हूँ, और ये सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को खुशी दिलाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, आई मीन सब कुछ, सारे सैक्रिफाइस करने के लिए मैं रेडी हूँ, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप एक दिन जरूर बन के बताएंगे, ये प्रॉमिस करो, एंड डू, लगन से मेहनत करना, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।